자, BTS 진이 곧 제대하더라. 어, 진이 제대했잖아. 벌써? 아니야. 한 16일인가? 이제 해. 그래. 그러니까 이거 나갈 때 제대한 거 아니야? 야, 우리가 근데 나한테 돼. 문자 왔었어. 뭐라고? 어. 나가면은 런닝맨을 꼭 출연하고. Welcome back to another new video, BTS Army. Oh my god, this is one more big update coming from Korea regarding our favorite K-pop idol Jin, who is finally back from military. As reported by several Korean news agencies, Jin can appear on Korea's famous popular show Running Man. In the recent episode of the Running Man show host Seok Jin revealed that he got a text message from Jin. Jin told him that he is finally back again and he wants to come on the Running Man show. So Army, cross your fingers, we might see Jin on lots of variety shows including Running Man. बाकी इंडियन BTS आर्मी, आप लोगों को हिंदी में बताऊं तो वैसे तो 12th ऑफ जून को आपके फेवरेट के पॉप आइडल जिन फाइनली मिलिट्री से वापस आ चुके हैं। आपके लिए एक के बाद एक सरप्राइजेस भी आ रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से सरप्राइजेस की लाइन लगने वाली है क्योंकि जिनका बहुत सारा कॉन्टेंट आने वाला है और शायद इसकी शुरुआत होगी कोरिया के फेमस शो द रनिंग मैन से, जिस पर वी, जिन और BTS के बाकी मेंबर्स भी आ चुके हैं। और इस बात की हिंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद रनिंग मैन शो के होस्ट शॉक जिन ने दी है, जब हाल ही में रिलीज हुए नए एपिसोड में वो रिवील करते हैं कि किस तरह जिन मिलिट्री वापस आ रहे हैं। जब ये एपिसोड शूट हुआ तब तक जिन मिलिट्री में थे, लेकिन वो बोलते हैं जब ये शो बाहर जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा, तब जिन बाहर आ चुके होंगे। और शॉक जिन यानी शो के होस्ट बताते हैं कि किस तरह जिन ने उन्हें टेक्स्ट मैसेज कर इस बात की जानकारी दी थी कि मैं डिस्चार्ज हो रहा हूं, बाहर आ रहा हूं और मैं बाहर आने के बाद आपके शो रनिंग मैन पर आना चाहता हूं। यानी कि जिन ने खुद इस चीज में इंटरेस्ट शो किया है और पूरी टीम इसे जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि जिन शो पर वापस आना चाहते हैं। और फैंस के लिए भी ये बहुत धमाकेदार खबर है कि हमें जल्दी ही जिन रनिंग मैन पर दिख सकते हैं। साथ ही साथ जिनके बहुत सारे वैरायटी शोज और भी आ सकते हैं, इंटरव्यूज होंगे, नए सॉन्ग्स आएंगे, यानी कुल मिलाकर फैंस के लिए सरप्राइजेस की बारिश। तो आप सब लोग जिनको रनिंग मैन पर देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।